मुसलमान भी, पारसी लोग भी कुछ वहां पर थे, वो भी सब इकट्ठे हुए और उन सबके सामने गांधी जी ने कहा कि हम सबको संकल्प करना है कि ये कानून हम नहीं बनने देंगे, भले ही हमें इसके लिए जेल में जाना पड़े, भले ही इसके लिए मार खानी पड़े, भले ही इसके लिए मर जाना पड़े, ये अपमानजनक कानून तो हम नहीं बनने देंगे। उस सभा में प्रस्ताव पारित हुआ, सभा ने महात्मा गांधी को अपना नेता मान लिया और महात्मा गांधी को अधिकृत किया गया कि वो ब्रिटेन की सरकार से इस पर बात करें। तो ब्रिटेन की सरकार से बात करने के लिए बाद में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका छोड़कर लंदन आए, लंदन में करीब 20-21 दिन रहे और वहां भी उन्होंने एक ही काम किया कि लंदन में रहने वाले जो भारतीय लोग थे उनको मोबिलाइज किया और उनका मोबिलाइजेशन जब बहुत बड़े पैमाने पर हुआ तो महात्मा गांधी ने एक ड्राफ्ट बनाया और वो ड्राफ्ट ब्रिटेन के राजा के सामने उन्होंने पेश कराया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कानून एकदम गलत है, अन्यायपूर्ण है, जनभावना के विरुद्ध है, मानवीयता के खिलाफ है, ये कानून नहीं बनना चाहिए। ब्रिटेन के राजा ने पहले तो गांधी जी की उपेक्षा की, बाद में ब्रिटेन के राजा को किसी ने कहा कि ये आदमी बहुत टेढ़ा है, अगर आपने इसकी बात को नहीं माना तो ये यहीं सत्याग्रह करने बैठ जाएगा लंदन, और इसको मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता, अगर आपकी पुलिस आएगी गोली चलाएगी तो उसको मरने में तो एक मिनट का संकोच नहीं, इसलिए आप जरा इससे संभल के रहना और इसकी कोई भी बात को अचानक से ना नहीं कह देना। तो ब्रिटेन के राजा तक ये सूचना पहुंच गई, तो ब्रिटेन के राजा ने कहा कि मैं ठीक है इस कानून का अध्ययन करने के लिए एक कमीशन बनाता हूं, वो कमीशन परिस्थिति का अध्ययन करके मुझे रिपोर्ट देगा, तब तक महात्मा गांधी नहीं बने थे, वो मोहनदास करमचंद गांधी थे, तब तक मेरा निवेदन है कि मोहनदास करमचंद गांधी कोई अगला कदम ना उठाए। तो उन्होंने कमीशन बनाया, कमीशन की रिपोर्ट आई, कमीशन की रिपोर्ट लिखने वाले लोगों ने कानून का समर्थन किया क्योंकि उसमें सब गोरे अंग्रेज ही बैठे हुए थे कमीशन में, तो फिर सरकार ने ये बहाना करना शुरू कर दिया कि अभी तो ये कानून हमें बनाना ही पड़ेगा क्योंकि कमीशन भी कहता। तो गांधी जी ने कहा कि कमीशन में जो लोग हैं वो तो सब अंग्रेज हैं, उनको हमारे दर्द का क्या अंदाजा, अगर हमारे भारतीय लोग कमीशन में होते और वो रिकमेंडेशन करते तो मैं मानता। तो गांधी जी ने कमीशन की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। फिर झगड़ा चलता गया, तो गांधी जी को लगा कि अभी बहुत बड़ा पब्लिक प्रेशर बनाने की जरूरत है, तो उन्होंने एक कॉल दिया साउथ अफ्रीका में वापस लौट के, और कॉल ये दिया कि जो भी लोग साउथ अफ्रीका में भारतीय या एशिया के किसी भी खंड के रहते हैं वो सब अंग्रेजी सरकार का बॉयकॉट करें। और गांधी जी की एक अपील का ये असर हुआ कि फैक्ट्रियां बंद होने लगी, धड़ाधड़ लोगों ने काम करना बंद कर दिया और उन लोगों ने सबने गांधी जी के पास आकर कसम खाना शुरू कर दिया कि आप जो कहेंगे वही करेंगे, आप मरने के लिए बोलेंगे तो हम मर जाएंगे, बोलिए अब करना क्या है। तो महिलाएं पुरुष सब लोग फैक्ट्रियां छोड़कर मजदूर जो काम करते थे गांधी जी के पास आ गए। गांधी जी के पास ऐसे करीब उस समय 14-15 हजार कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए। तो गांधी जी ने कहा कि हमें कूच करना, एक मार्च निकालना, जैसे वो दांडी मार्च उन्होंने निकाला था भारत में बहुत ऐतिहासिक, वैसा ही एक मार्च उन्होंने निकाला साउथ अफ्रीका में। अब मैं घटना पे आ रहा हूं जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया। वो मार्च गांधी जी ने जब शुरू किया तो उसमें करीब 4000 महिलाएं और करीब 1200-1300 बच्चे उनके छोटे छोटे और करीब 6000 पुरुष, इतने सब लोग पैदल पैदल निकले। तो कई लोगों ने गांधी जी से कहा कि ये बच्चे बहुत छोटे हैं, अभी क्या करने का इनका। तो उन्होंने कहा जिनके बच्चे छोटे हैं वो जुलूस से बाहर निकल जाए। तो बहुत सारे लोगों के मन में आया कि अभी गांधी जी हमको बाहर निकालते हैं। तो उन्होंने कहा कि जुलूस में रहते हुए आपके बच्चे मर जाएं तो मान लेना कि देश की आजादी के लिए आपने उनको दान दे दिया। मेरा आपसे निवेदन है कि जिसका भी दिल कमजोर है वो निकल जाए, मुझे कमजोर लोगों की भीड़ नहीं चाहिए, ये उन्होंने स्पष्ट कहा। तो लोगों में हौसला आया और हौसला आया तो वो सब चले। उसी जुलूस में कुछ अंग्रेज भी शामिल थे जो गांधी जी की जासूसी के लिए रखे गए अंग्रेज सरकार के, और उनकी पूरी रिपोर्टिंग वो लंदन करते थे कि आज जुलूस ने क्या किया। वो पैदल चलते थे एक जगह से दूसरे जगह जाकर और लोगों को इकट्ठा करते जाते थे। तो जो अंग्रेजों ने रिपोर्टिंग किया है उसमें से एक अंग्रेज ऑफिसर था जो उनकी इंटेलिजेंस की टीम का मुख्य अधिकारी था, उसने गांधी जी के जुलूस के बारे में एक वाक्य लिखा, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने मेरे जीवन में जितनी भी सेवा की है ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसमें ये पहला जुलूस मैं देख रहा हूं जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे सब एक साथ हैं, हिंदू भी हैं मुसलमान भी, दोनों एक साथ हैं और दोनों एकदम भाई भाई की तरह से आगे बढ़ रहे हैं, किसी में किसी के प्रति वैमनस्यता नहीं है। हाँ, जो एक अच्छी बात है जो मैं देख रहा हूं वो ये कि ये जुलूस करीब 15-17 दिन चला पैदल पैदल। तो होता क्या था कि रात हो जाती थी तो कोई भी मैदान में सब सो जाते थे और दिन में कुछ थोड़ा बहुत भोजन बना के करते थे, फिर रात में मैदान में सोते थे, अगले दिन फिर मैदान से चलते थे दूसरे गांव में, दूसरे गांव से तीसरे गांव।
तो हर एक रात करीब ऐसी 15 रातें बीती जिसमें स्त्री पुरुष बच्चे सब एक साथ सोए। जो अंग्रेजी अधिकारी था उसने कहा कि इस जुलूस के दौरान एक भी दुर्घटना नहीं हुई। उसका जो इशारा था वो क्या कि 4000 महिलाएं और 6000 पुरुष जिनकी उम्र 20-22 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच में है, कहीं भी कोई दुर्घटना नहीं हुई। और उसने जब अपनी रिपोर्ट भेजी ब्रिटिश पार्लियामेंट को तो उस रिपोर्ट में उसने लिखा कि जिस आदमी की उपस्थिति मात्र से लोगों के मन में नैतिकता का संचार होने लगता है, वासना पैदा नहीं होती, स्त्रियां भी लेटी हुई हैं और पुरुष भी लेटे हुए हैं और दोनों नजदीक में हैं और कहीं कोई घटना नहीं होती बलात्कार की, कहीं कोई घटना नहीं होती है शारीरिक संपर्क की, तो ये तो आदमी कोई विरला है और विचित्र है, अंग्रेज सरकार इससे लड़ नहीं पाएगी। ये उसने रिपोर्ट में लिख के भेज दिया। तो मुझे उस रिपोर्ट का एक वाक्य हमेशा मेरे मन में रहता है कि जिस आदमी की उपस्थिति मात्र से नैतिकता का इतना उच्च स्तर लोगों में आ जाता हो कि 4000 स्त्रियां और 6000 पुरुष बिना किसी दुर्घटना के एक गांव से दूसरा, दूसरे से तीसरा और 15-17 दिन लगातार चल के चले जाते हों और अंग्रेज सरकार को सरेंडर करने के लिए मजबूर करते हों, वो आदमी तो कोई बिरला ही हो सकता है। तो बाद में जब उनको महात्मा कहा, सबसे पहली बार उनको महात्मा कहा सुभाष चंद्र बोस ने, तो सुभाष चंद्र बोस से जब पूछा गया कि आपने इनको महात्मा क्यों कहा, मोहनदास करमचंद गांधी से एक दिन सुभाष चंद्र बोस ने उनको महात्मा गांधी बना दिया। और आप जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के महात्मा गांधी से वैचारिक मतभेद थे। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि आजादी इस रास्ते से आए, महात्मा गांधी चाहते थे आजादी इस रास्ते से आए। सुभाष चंद्र बोस का रास्ता यह था कि भयंकर हिंसा करनी हो तो हिंसा करें, अंग्रेजों के साथ छल कपट करना हो तो छल कपट करें, हथियार चलाने हो तो हथियार चलाएं, कहीं विदेशों से मदद लानी हो भारत की आजादी के लिए तो वो भी लेके आए। गांधी जी कहते थे कि एक तो उनका सबसे पहला ये आग्रह था कि विदेशी मदद भारत की आजादी के लिए नहीं चाहिए, दूसरा हथियार चलाने की जरूरत नहीं है, अंग्रेज बहुत कमजोर हैं, वो बिना हथियार के ही भाग जाने वाले हैं। ये गांधी जी को कन्विक्शन था बहुत पहले से, उनका कहना था कि इन कमजोर लोगों को क्यों मारना हथियार, ये तो हथियार उसके खिलाफ चलाना चाहिए जो अपने से ज्यादा ताकतवर हो, इन अंग्रेजों में कुछ भी ताकत नहीं। और तीसरा उनका सिद्धांत ये था कि भारत में जो भी आजादी आएगी वो सिर्फ आजादी तक सीमित नहीं रही होगी, पूरा मॉडल बदलना पड़ेगा, जो ब्रिटेन का ढांचा है उसको हटा के भारतीय ढांचा लाना पड़ेगा। तो इन मुद्दों पर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में काफी कुछ मतभेद थे, लेकिन उन मतभेदों के बावजूद पहले नेता थे सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया। तो किसी ने पूछा सुभाष चंद्र बोस से, ये बात है 1940-41 की जब सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे, उसके पहले उन्होंने उनको महात्मा बोल दिया था। तो किसी ने पूछा कि आप ये बताइए कि आपने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा क्यों कहा, उनके बहुत सारे कार्यकर्ता उनसे नाराज थे सुभाष चंद्र बोस से। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आपकी नाराजगी मैं समझ सकता हूं, महात्मा गांधी हमारे विचार से कुछ अलग विचार वाले हैं, हमारे उनके विचारों में काफी भिन्नता है, हमारी उनकी मत भिन्नता है लेकिन मन भिन्नता नहीं, मेरे महात्मा गांधी से मतभेद है लेकिन मनभेद नहीं है। सुभाष चंद्र बोस का जो शब्द था वो ये था कि मेरे महात्मा गांधी से मतभेद है, मनभेद नहीं है, मन मेरा वैसा ही है जो महात्मा गांधी का है, तो मनभेद नहीं है इसलिए मैं उनको बहुत ऊंचा मानता हूं। और उन्होंने कहा कि मैं उनको महात्मा इसलिए कहता हूं कि उस आदमी की उपस्थिति मात्र से मन में नैतिकता का संचार होने लगता है, मैं जब जब महात्मा गांधी के पास जाता हूं मेरे मन में दया, प्रेम, करुणा, अहिंसा ये सारे मूल्य पनपने लगते हैं, पता नहीं उस व्यक्ति में कैसा चुंबकीय आकर्षण है, ये सुभाष चंद्र बोस के शब्द में आपको कोट कर रहा हूं, पता नहीं उस व्यक्ति में कैसा चुंबकीय आकर्षण है जो उसके सामने जाकर बैठे भयंकर हिंसा भाव से भरा हुआ वो भी अहिंसक हो जाता है, कितना ही डेस्पोटिक हो, क्रूर हो, वो दया और करुणा का प्रतीक बन जाता है, उस व्यक्ति में ऐसा तो कुछ अद्भुत है। और दक्षिणी अफ्रीका की वो घटना जो मैंने आपको कही वो अपने कार्यकर्ताओं को सुनाते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये आदमी की तेजस्विता आज से नहीं, उम्र के उस साल से है जब वो खुद जवान हुआ करता। तो ये दो घटनाएं मैं आपको सुनाना चाहता था महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हुए, कि हम इन दो घटनाओं से अगर अपने जीवन में कुछ सीख सकें तो जरूर सीखें। ये जो महान लोग होते हैं ना, ये आते हैं चले जाते हैं, कभी ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर हमारे ऊपर कभी दयालु हो जाता है तो ऐसे कुछ लोगों को भेज देता प्रतिनिधि के रूप में, तो महात्मा गांधी को भेज दिया। महात्मा गांधी जैसे और भी लोग आए जिनको भेजा,
मेरा ऐसा मानना है, इसमें अतिशयोक्ति भी लग सकती है और उसके लिए आप मुझे माफ कर देंगे पहले ही, मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया के पिछले 500 साल के इतिहास में महात्मा गांधी जैसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, पिछले 500 साल के इतिहास। मैंने दुनिया के बहुत महान लोगों की जीवनियां पढ़ी है, उसमें रूसो भी शामिल है, उसमें तो ये रूस के जो बड़े नेता माने जाते हैं लियोनिद ब्रेजनेव से पीछे की पीढ़ी के जितने, जिनको लेनिन वगैरह वगैरह बड़ा माना जाता, उनको भी, जर्मनी के बड़े नेताओं को, उनको भी मैंने पढ़ा है, बिस्मार्क को भी मैंने पढ़ा है, मैंने ये जो बड़ा फ्रांसीसी क्रांतिकारी था उसकी भी जीवनी पढ़ी है, अमेरिका के जितने महान है उनकी भी जीवनी पढ़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 500 साल के इतिहास में दुनिया की धरती पर गांधी जैसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। उनकी तीन बड़ी क्षमताएं, पहली क्षमता तो जो मैंने कही नैतिकता वाली, दूसरी क्षमता हर गलत बात का पूरी ताकत से विरोध करने की, गलत को स्वीकार नहीं करने की चाहे उसके लिए जान दे देनी पड़े, और तीसरी और अद्भुत बात कि किसी को प्रेम की शक्ति से जीत लेने। वो कहते थे हथियार की शक्ति से किसी को जीतना क्या है, प्रेम की शक्ति से जीत के दिखाओ लोगों। और वो उस मान्यता के पुजारी थे, भारत की उस मान्यता के जो हजारों साल से आई है कि किसी को हथियार की शक्ति से गुलाम बनाने से अच्छा है कि प्रेम की शक्ति से उसको गुलाम बनाओ। तो ये तीन अद्भुत बातें उस व्यक्ति में थी और एक साथ पूरे व्यक्तित्व में ये सब आया उनके अंदर। तो कुछ उनकी ग्रोइंग हुई होगी, कुछ उनमें आया होगा, ये तो कुछ विलक्षण ही किस्म की बात हो सकती है, क्योंकि बचपन में जो विद्यार्थी अक्सर फेल होता हो, अंग्रेजी में फेल, मैथमेटिक्स में फेल, आप जाइए राजकोट में, उनकी वो रखी हुई है वो जो स्कूल है ना, गांधी जी जिसमें पढ़े, उस स्कूल में गांधी जी की नोटबुक है जिसपे उनका करेक्शन किया हुआ, वो सब गलत लिख दिया है, उसको क्रॉस कर दिया, अध्यापक ने फेल कर दिया उनको, ये कैसा मूर्ख अध्यापक, उसको फेल करना चाहिए था पूरी दुनिया को, महात्मा गांधी को फेल किया। तो ठीक है, उससे एक बात समझ में आती है कि साधारण सा बच्चा झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, कभी सिगरेट भी पी लेता है, कभी जाके मांस भी खाया उन्होंने, ईमानदारी से स्वीकार किया। और एक बहुत अंदर की बात जो मैं कहना नहीं चाहता बहुत लोगों से, लेकिन अभी कहना चाहता हूं मैं, लोगों को पता चले गांधी जी के बारे में तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारे लोगों की खत्म हो जाए। बहुत लोगों ने दुष्प्रचार किया महात्मा गांधी के बारे में, और एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार उनके बारे में यह था कि वो हमेशा दो लड़कियों के कंधे पर हाथ रख के चलते थे। हमारे देश में महात्मा गांधी के बारे में दुष्प्रचार करने वालों की तो कोई कमी नहीं है, और वो कमी क्यों नहीं है, क्योंकि सब लोगों को ऐसा लगता है कि गांधी जी को गाली दो तो हम बड़े हो जाएंगे। एक अभी फिल्म बनी है बाबा साहब अम्बेडकर पे, उसमें जो गालियां उनको दी गई हैं वो भगवान न करे कोई दूसरा उनको दे। तो आजकल एक फैशन चल गया है गांधी जी को गाली देने का, लंबे समय तक ये फैशन चलाया कई बहुत सारे लोगों ने, उसमें गांधी जी के विरुद्ध जो बातें बोली गई हैं उनमें से एक सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बात कि उनकी बकरी किशमिश खाती थी, मखाना खाती थी, छुआरा खाती थी, और महात्मा गांधी सादगी का नाटक करते थे, एक बात उनके विरुद्ध ये बोली जाती। दूसरी बात उनके विरुद्ध ये बोली जाती है कि महात्मा गांधी ने बहुत सारे क्रांतिकारियों को मरवा दिया, भगत सिंह को नहीं बचाया, आप जानते हैं वो कहानी, तो बहुत सारे क्रांतिकारियों को मरवा दिया। तीसरी बात जो बोली जाती है वो ये कि गांधी जी नैतिकता का नाटक करते थे और हमेशा दो लड़कियों के कंधे पर हाथ रख के चला करते थे। तो ये दो तीन बातों के बारे में हमारे मन में स्पष्टता आ जाए, उस दृष्टि से मैं कहना चाहता हूं कि गांधी जी के बारे में ये जो दुष्प्रचार हुआ कि वो हमेशा दो लड़कियों के कंधे पर हाथ रख के चला करते थे और वो नैतिकता की बात कैसे कर सकते हैं, वो गांधी जी की एक घटना बताकर और साउथ अफ्रीका में जो घटना घटित हुई दोनों को कोरिलेट में करना चाहता हूं। घटना ये है कि महात्मा गांधी ने बहुत ईमानदारी से अपने जीवन की हर बात लिखी। हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो अपने जीवन की सारी बातों को ईमानदारी से लिख सके, कोई नहीं हुआ आज तक। लिखा वो बोला नहीं, बोला वो लिखा नहीं, और लिखा वो माना नहीं, माना वो लिखा नहीं, हमेशा पाखंड रहा, बड़े बड़े लोगों के जीवन में पाखंड रहा। अब नाम लेके कहने से इससे कोई फायदा नहीं है, बड़े बड़े लोगों के जीवन में पाखंड रहा, लेकिन गांधी जी के बारे में मुझे जो एक अच्छी बात लगती है वो हम सबको सुननी चाहिए कि उन्होंने जो किया उसको लिखा और उसी को बोला, उसमें कहीं उन्होंने अतिशयोक्ति नहीं की। अपने जीवन में उन्होंने कोई कुकर्म किया तो उसको लिखा ईमानदारी से, आप उनकी आत्मकथा पढ़िए, महात्मा गांधी की आत्मकथा में वो लिखते हैं और उसको बाद में हरिजन ने भी लिख दिया। और एक दिन उन्होंने इंडियन ओमी में एक अखबार निकालते थे वो साउथ अफ्रीका से, उसमें भी लिख दिया। घटना क्या है, उनके पिताजी का देहांत होने वाला,
मृत्युशैया पर उनके पिताजी थे। आखिरी घड़ी है जीवन की, डॉक्टरों ने कह दिया है, वैद्यों ने कह दिया है कि ये बचने वाले नहीं है। गांधी जी उनके पास गए हैं उनको देखने के लिए, और उस समय तक उनकी शादी हो गई है, विवाह हो चुका है। तो विवाह हो चुका है, उनके पिताजी मरने की तैयारी में है, गांधी जी उसी समय उनको देखने के लिए गए हैं। तो उस समय की घटना का जिक्र गांधी जी ने हूबहू अपने शब्दों में जो किया है वो मैं कहना चाहता हूं, और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो नैतिकता के बहुत ऊंचे प्रतिमान वाला हो, बाकी पाखंडियों के बस की बात नहीं है ये कह पाना। गांधी जी ने उसमें ईमानदारी से लिखा कि पिताजी की अंतिम सांस चल रही है, वैद्य बैठा है सामने और कह रहा है कि अब ये बचने वाले नहीं है। उसी समय गांधी जी लिखते हैं कि मेरे मन में अचानक काम वासना पाई, कि मेरे मन में हिंदुस्तान में दुनिया का कोई आदमी नहीं लिख सकता इस बात को, उन्होंने लिखा। और उसके बाद ये भी लिखा है कि जब मैंने देखा मैं बाहर आया, वासना का अपना खेल गंदा खेल कर मैं बाहर आया, मैंने देखा कि मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है, उसी दिन मैंने ब्रह्मचर्य का संकल्प करने का अपने जीवन में तय कर लिया, उसी दिन कि मेरे जीवन के आगे का हिस्सा मैं ब्रह्मचर्य से निभाने की कोशिश करूंगा। और फिर उन्होंने ईमानदारी से लिखा है कि उस ब्रह्मचर्य को पालने के लिए मुझे बहुत साल लगे मेरी पत्नी को तैयार करने, लेकिन मैंने अकेले ब्रह्मचर्य का व्रत लेने का फैसला किया था, बाद में मुझे लगा कि ये गलत है, अनैतिक है, तो फिर धीरे धीरे मैंने मानसिकता तैयार की मेरी पत्नी की, और एक दिन हम दोनों ने मिलकर संकल्प कर लिया, और उससे आज का दिन जब मैं ये लिख रहा हूं, आज का दिन दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये बात मेरी पत्नी से पूछ सकता है जाकर, ऐसा आदमी था। और उसके बारे में लोग दुनिया भर में अफवाह उड़ाते हैं कि वो दो लड़कियों के कंधे पे हाथ रख के हमेशा चला करता था, और उसके बारे में दुनिया के लोग बहुत सारी अफवाह उड़ाते हैं कि उसकी बकरी किशमिश खाती थी, बादाम खाती थी, काजू खाती थी, मुनक्का खाती थी, कुछ नहीं खाती थी उनकी बकरी, साधारण घास ही खाती थी। ये सही बात है कि गांधी जी हमेशा बकरी का दूध पीना पसंद करते थे। तो किसी ने पूछा कि आप गो रक्षा की बात करते, गांधी जी हमेशा गो रक्षा की बात करते रहे, और एक बार तो उन्होंने एक भाषण में कहा, यहां मुंबई में, मुंबई के अपने एक भाषण में उन्होंने कहा कि कोई अंग्रेज अधिकारी मेरे पास आए और ये कहे कि पहले भारत बचाना है कि गाय बचानी है, तुम दोनों में से तय कर लो कौन सी चीज पहले बचानी है, तो मैं भारत को कुर्बान कर सकता हूं गाय बचाने के लिए, माने मेरे लिए गाय भारत से ज्यादा प्यारी है। और उन्होंने कहा कि अगर मैंने गाय बचा ली तो भारत तो बच जाने ही वाला। तो इतने ज्यादा गोरक्षा के समर्थक व्यक्ति थे महात्मा गांधी, लेकिन वो गोरक्षा के समर्थक होने के बावजूद गाय का दूध नहीं पीते थे कभी। तो किसी ने उनसे कहा कि गांधी जी ये जीवन में आपके कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, गाय का दूध आप नहीं पीते हैं, गोरक्षा की बात करते हैं, हमेशा आप बकरी का दूध पीते हैं। तो उसका जवाब बहुत सुंदर उन्होंने दिया और वो लिखा भी है। उन्होंने कहा देखो गाय का दूध अमृत है और बकरी का दूध दवा है, मुझे दवा की जरूरत है अमृत की नहीं है। और आप जानते हैं कि दुनिया के जो वैद्य हैं, ये जो हमारा पूरा का पूरा आयुर्वेद है ना, उसमें जो बकरी का दूध है वो ट्यूबरकुलोसिस की सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। अगर कोई टीबी का भयंकर मरीज हो और वो किसी भी स्थिति में ठीक होने की संभावना नहीं रखता हो, उसको सिर्फ इतना ही किया जाए कि खाली खाली पेट सुबह सुबह आधा कप रोज बकरी का दूध पिला दिया जाए, 3 महीने में उसका ट्यूबरकुलोसिस ठीक होने की गारंटी है, इतना अच्छी गुणवत्ता वाला है बकरी का दूध। तो गांधी जी ने कहा कि मुझे कमजोरी रहती है हमेशा शरीर में, आप जानते हैं कि उनका शरीर कैसा था, कृशकाय एकदम शरीर था। तो गांधी जी ने कहा कि मुझे कई तरह की बीमारियां हैं उनको मैं जानता हूं, और उन बीमारियों को ठीक करने के लिए बकरी का दूध ही मुझे लगता है, बाकी कोई दवा मैं कभी लेता नहीं। वो सच में कोई दवा नहीं खाते थे और किसी को देते भी नहीं थे अपने हाथ से, तो बाकी मैं कोई दवा लेता नहीं हूं, सिर्फ बकरी का दूध ही मेरे लिए दवा है, इसलिए मैं गाय का दूध न पीकर बकरी का दूध पीता हूं ताकि मैं जिंदा रहूं और हिन्दुस्तान की आजादी लाने का काम सतत रूप से करता रहूं। गाय का दूध को मैं अमृत मानता हूं, और अमृत तब दिया जाता है जब कोई अमर होने की आकांक्षा लेकर आता, मैं अमर होने की आकांक्षा लेकर नहीं आया, मैं तो साधारण का एक काम करने आया भारत की आजादी लाने का, उसी काम को करते करते मैं मर जाऊं, ये मेरे जीवन की तमन्ना है। अंतिम 2 दिन पहले उन्होंने एक वक्तव्य किया था, शायद बड़े लोगों को आभास हो जाता है, 28 जनवरी 1948 को उन्होंने दिल्ली में कहा प्रार्थना सभा में कि अगर कोई पागल आदमी सामने से आकर भी मुझे गोली मारेगा तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप उसको सद्बुद्धि दो, भगवान उसको सद्बुद्धि दे, और वही उन्होंने किया। अभी बहुत सारे लोगों ने यह बहस करना शुरू कर दिया कि महात्मा गांधी ने मरने के पहले हे राम कहा था या हाय राम कहा था। हमारे कितने कूड़ मगज लोग हैं इस देश में, कितने निम्न स्तर के लोग हैं इस देश में जो बहस चला रहे हैं इस बात पर कि गांधी जी को जब गोली लगी तो उन्होंने हे राम कहा या हाय राम कहा।
इसी में लगे हुए हैं बहस करने में। उन्होंने बहुत कुछ कहा है उस पर किसी का ध्यान नहीं है, बहुत कुछ किया है उस पर किसी का ध्यान नहीं है। हे राम कहा कि हाय राम कहा, इसी में बहुत लोग लगे। बहुत सारे संगठन हैं जिन्होंने बाकायदा लिटरेचर बनाया है उस पर, और वो लिटरेचर पूरे देश में बांटा जाता है और एक खास तरह की मानसिकता तैयार की जाती है गांधी जी को गाली देने की। तो मेरा आपसे एक ही विनम्र निवेदन है, और वो मैं शायद मेरे कन्विक्शन से कह रहा हूं। पिछले 10-12 साल गांधी जी को मैंने बहुत पढ़ा और उनके तरह से जीने की कोशिश भी कर रहा हूं। उनके तरह से जीने की जो एक कोशिश मैंने की है ईमानदारी से, उसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैंने आज तक मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट नहीं बनाया और आगे बनाने की संभावना नहीं। मैंने आज तक मेरा कोई घर नहीं बसाया। आज भी मैं ब्रह्मचारी हूं और ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं और आगे भी करता रहूंगा, ऐसा मेरा संकल्प है मेरे मन का। और तीसरा, कोई पारिवारिक संपत्ति में हिस्सा नहीं रखा। मेरे पिता और माता को मैंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि परिवार की संपत्ति में मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। आपको जो करना है आप उसको कहिए, या करते उसको चाहे तो दान कर दीजिए मेरे नाम से किसी को। लेकिन इतना भी मुझे लगता है करने में बहुत तकलीफ आती है, बहुत तकलीफ आती है। तो गांधी जी ने पता नहीं कितनी तकलीफें झेली होंगी, उन्होंने तो पता नहीं कितने साल ये सब किया। मुझे तो लगता है कि मेरे लिए बहुत आसान है ब्रह्मचर्य पालन करना, क्योंकि मैंने परिवार नहीं बनाया। उन्होंने तो परिवार बनाकर ब्रह्मचर्य पालन किया, वो तो बड़ी बात है, वो आसान व्यक्ति के लिए नहीं है। परिवार में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना और उस ऊंचाई तक जाना, जिस ऊंचाई की बात उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखी है कि वो जीवन का आखिरी दिन था जब पिताजी की मृत्यु के समय उन्होंने अपनी पत्नी के साथ संभोग किया। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि मैं मेरी पत्नी के साथ भाई बहन के रिश्ते रहे, और उन्होंने कहा कि जीवन में ऊंचाई तभी आएगी जब सही मायने में कोई पति पत्नी भाई बहन की तरह से रहना शुरू कर दे। वो कहते हैं कि ये जीवन का आखिरी वो होगा मुकाम। तो किसी व्यक्ति को कितना ऊंचा बनना चाहिए अपने जीवन में, उसके लिए उन्होंने एक सीमा रेखा बना दिया। वो सीमा रेखा का पालन उन्होंने किया, परिवार बसाते हुए, घर चलाते हुए, बच्चों को पालते हुए। वो अद्भुत ही लोग कर सकते हैं, बिरले लोग कर सकते हैं, वैसे वो थे। और उन्होंने जो किया है वो हम सबके सामने है, जो कहा है वो भी है और जो लिखा है वो भी है। उनके कहे हुए को, उनके किए हुए को और उनके बोले हुए को अगर हम अपने जीवन में दशमांश भी, माने टेंथ, वन टेंथ भी अगर हम उतार सकें, तो भारत में बहुत कुछ बेहतर होने की संभावना और शक्यता है। इतना गांधी जी को श्रद्धांजलि स्वरूप में कहना चाहता था। और एक छोटी सी आखिरी बात जो मैं आज के समय में कहना चाहता हूं, गांधी जी ने अपने जीवन में 11 व्रत दिए लोगों को, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह वगैरह वगैरह, आपने पढ़े होंगे, बार बार सुने भी होंगे। उन व्रतों के बारे में गांधी जी ने लोगों से कहा है कि मेरी आपसे ये विनंती है कि भारत में जो व्रत मनाए जाते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं, उनमें सोमवार का व्रत हो जाता है, कभी बृहस्पतिवार का हो जाता है, कभी मंगलवार का हो जाता है, मंगलवार को हनुमान जी का है, सोमवार को शंकर जी का है वगैरह वगैरह। उन व्रतों के बारे में गांधी ने कहा कि ये जो कर रहे हैं वो आप करिए, आपकी धार्मिक मान्यताओं के लिए मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता और उसमें हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहता। लेकिन उन्होंने कहा है कि व्रत अगर आप कर सकें तो देश के लिए भी करिए। एक तो हम व्रत करते हैं मोक्ष के लिए कि हमें मोक्ष मिल जाए। हमारे जीवन में एक मान्यता हमने रखी हुई है और वो मान्यता ये है, आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, आपके साथ मैं भी इसमें शामिल हूं, हम सबकी मान्यता ये है कि पुनर्जन्म होता है, बार बार जन्म होता है, व्यक्ति बार बार जन्म लेता है। और हमारे जो धर्मशास्त्र है या बड़े जो धर्म गुरु हैं उनकी बात अगर आप सुने और उसको कभी समझने की कोशिश करें, तो हरेक धर्मगुरु या हरेक धर्मशास्त्र ये कहता है कि भारत में जन्म लेने वाले को 84 लाख योनियों में से गुजरना पड़ता है। कभी मच्छर बन सकते हैं, कभी मक्खी बन सकते हैं, कभी गाय बन सकते हैं, कभी बैल बन सकते हैं। मनुष्य बनना बड़ा मुश्किल होता है और मनुष्य की योनि मिलना तो बिरले लोगों को मिलता है। उसके बारे में सांख्य दर्शन है, वो ये कहता है कि आपने पुराने जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो आप शायद मनुष्य बन गए हैं। तो गांधी जी ने उसी दर्शन को आगे बढ़ाते हुए लोगों के सामने ये कहा कि आप अपने मोक्ष के लिए अच्छे काम करें, व्रत करें, धार्मिक मान्यताओं का पालन करें, वो तो ठीक ही है, लेकिन देश के कल्याण के लिए भी व्रत करिए। ये उनका कहना था। और उनका ये कहना था कि अगर भारत का कल्याण नहीं होगा तो आप में से किसी को मोक्ष नहीं मिलेगा। बिल्कुल स्पष्ट कह दिया। ये कहने की हिम्मत आज तक किसी धर्मगुरु में नहीं हुई। मैंने हिंदुस्तान के इतिहास में शंकराचार्य से लेकर आज तक बहुत सारे धर्मगुरुओं को पढ़ा और काफी को आज के जमाने में सुना भी, किसी में हिम्मत नहीं है ये कहने की
कि जब तक देश का कल्याण नहीं होगा तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा, तुम्हारी आत्मा भटकती ही रहेगी। तो देश का कल्याण कर लो, तुम्हारा मोक्ष अपने आप हो जाएगा। और फिर किसी ने गांधी जी से पूछा कि आप ये सब काय के लिए करते हैं, अंग्रेजों को भगाना, हिंदुस्तान को नए सिरे से खड़ा करना। तो गांधी जी ने कहा ये सब मैं मोक्ष के लिए करता हूं, ये मत कहना कि भारत की आजादी के लिए करता हूं, ये उनका लिखा हुआ वाक्य है, ये सब मैं मोक्ष के लिए करता हूं। तो किसी ने कहा मोक्ष माने क्या, कि ईश्वर की प्राप्ति, तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए मैंने ये तय किया है मेरा रास्ता। तो उन्होंने कहा कि इससे ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, तो वो सुनाने लगे देखो भारत आजाद हो जाएगा, आजाद होने के बाद खुशहाल हो जाएगा, गरीबी खत्म हो जाएगी, बेकारी खत्म हो जाएगी, भुखमरी खत्म हो जाएगी, अन्याय नहीं होगा, हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन बिताने का अधिकार मिलेगा, ये सब जब हो जाएगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। अब आप देखिए इतना बड़ा योगी आदमी किस बात की कल्पना करता है। हम लोग कल्पना करते हैं ना मोक्ष उन्हीं को सिद्ध होता है जो योगी होते हैं, और योगी कौन होता है, जो अपने को दूसरों से ऊपर उठा लेता है। लेकिन गांधी जी कह रहे हैं कि मैं अकेला ऊपर नहीं उठूंगा, ये सबको अपने साथ ऊपर उठाऊंगा तब मुझे मोक्ष मिलेगा। इससे बड़ा योगी पुरुष कौन होगा। तो इस योगी पुरुष के जीवन से अगर हम कुछ सीख सकें वो यही कि हम अपने आप को ही नहीं दूसरों को भी अपने साथ उठाएं। और दूसरों को अपने साथ क्यों उठाएं, मैं ऐसा मानता हूं कि महात्मा गांधी की आत्मा भटक रही है, उनको मोक्ष नहीं हुआ है। अगर वो जीवित रहते तो शायद वो काम करते जो उन्होंने अपने लिए तय किया हुआ था। आजादी आने के तत्काल बाद किसी ने पूछा कि गांधी जी आजादी आ गई अब, बिरला जी ही थे, एक दिन सवाल करने लगे अब क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा अब तो तुम्हारे साथ लड़ना है। आप सोचिए जो बिरला जी महात्मा गांधी के पास अपना ब्लैंक चेक रखते थे, उन्होंने एक दिन सवाल किया कि अब तो आजादी आ गई, और गांधी जी की आदत थी रोज मालिश करवाते थे तेल से, मालिश करवाते थे। तो एक दिन बिरला जी पहुंच गए सेवाग्राम आश्रम और गांधी जी की मालिश चलती थी, तो पूछ लिया कि अब मालिश क्यों करा रहे हैं, अब तो अंग्रेज भाग रहे हैं, अब आपको किससे लड़ना है, कि अभी तो तुमसे लड़ना है, एक दुश्मन नहीं है हिंदुस्तान का, दूसरा दुश्मन मेरे सामने खड़ा है। तो बिरला जी घबरा गए कि ये कह क्या रहे हैं। तो गांधी जी ने फिर उनको बड़े प्रेम से समझाया कि देखो घनश्याम दास, ये लड़ाई हिंदुस्तान की जो है बड़ी लंबी है, अंग्रेजों का चले जाना तो एक चरण है, इसके आगे अभी बहुत सारे चरण हैं। तो उन्होंने पूछा कि आपका एसिड टेस्ट क्या है, तो उन्होंने कहा कि देखो जब अंतिम आदमी हिंदुस्तान का ये कहने लगेगा कि मैं आनंद में हूं, खुशी में हूं, तो मैं मान लूंगा कि हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई पूरी हो गई, यही मेरा एसिड टेस्ट है। और वो तो दुर्भाग्य हम सबका कि उनको किसी ने मार दिया, किसी पागल आदमी ने। मैं तो कहता हूं कि जिस आदमी ने गांधी जी को मारा था, अच्छा ये होता कि वो महात्मा गांधी के सामने जाकर खुद को गोली मार लेता, वो उसके लिए बेहतर होता। उसने बजाय गांधी जी को गोली मारने के अपने को गोली मार लेनी चाहिए थी, वो उसके लिए ज्यादा बेहतर होता। लेकिन खैर ठीक है, दुर्घटनाएं होती रहती हैं और आगे भी होती रहेंगी, उसके लिए कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। हमें यह भी अफसोस नहीं करना चाहिए कि गांधी जी हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि वो हमेशा लोगों से यही कहते थे, कार्यकर्ताओं से, कि मैं रहूं ना रहूं मेरा जीवन तुम्हारे लिए संदेश की तरह से है पूरा, मैंने मेरे जीवन भर जो किया वो आपके लिए संदेश जैसा है। तो गांधी जी के संदेश का अगर हम थोड़ा सा विश्लेषण करें और आज की परिस्थिति को देखने की कोशिश करें, तो मैं ऐसा मानता हूं कि उनको अभी मोक्ष नहीं मिला है, उनकी आत्मा कहीं ना कहीं भटक रही है। उसके तीन बड़े कारण हैं कि उन्होंने जब ये कहा था कि भारत का जब अंतिम व्यक्ति आनंद में रहेगा, खुशी में रहेगा, तो मैं मान लूंगा कि सारे काम पूरे हो गए हैं, वो अंतिम व्यक्ति अभी भी बहुत कुछ चीजों से वंचित है। भारत की इस समय आजादी 1 करोड़ से थोड़ी ऊपर हो चुकी है, और 100 करोड़ से ऊपर हो चुकी है, 1 अरब से थोड़ी ऊपर हो चुकी है, 100 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। अब ये 100 करोड़ की आबादी का जरा क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करें, तो क्या चित्र है। चित्र ये है कि हिंदुस्तान के 100 करोड़ की आबादी में करीब 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक दिन में प्रति व्यक्ति खर्च करने के लिए 5 रुपया नहीं है। 25 करोड़ लोग ऐसे। भारत सरकार के नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति 5 रुपए नहीं रखते एक दिन में खर्च करने की हैसियत, ऐसे 25 करोड़ लोग हैं। 15 करोड़ लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनके पास प्रति व्यक्ति एक दिन में खर्च करने के लिए 1 रुपया नहीं, 15 करोड़ लोग ऐसे। और करीब करीब 10 करोड़ लोग ऐसे हैं इस समय भारत देश में जिनके पास प्रति व्यक्ति एक दिन में खर्च करने के लिए 50 पैसा नहीं।
25 करोड़ लोगों के पास प्रति व्यक्ति एक दिन में खर्च करने के लिए 5 रुपया नहीं है, 10 करोड़ लोगों के पास प्रति व्यक्ति एक दिन में खर्च करने के लिए 50 पैसा नहीं है।